मॉर्निंग, आप सभी कॉमर्स के छात्रों को एक बार फिर से मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग डिप्रेसिएशन का, जो कि कम पार्ट टू के बच्चों के लिए होगा, डिप्रेसिएशन का क्वेश्चन एस्केल सीन का क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूं। और भी क्वेश्चन होगा वो आपके अगले वीडियो में मैं पोस्ट करूंगा। हर वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आज का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन सभी बच्चों की डिमांड पर बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें डिप्रेसिएशन का जो रेट है वो अलग अलग चरणों में अलग अलग दिया गया है। क्वेश्चन जैसे कि सामने दिया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भेज दूंगा। दिया है, एक कंपनी ने एक सेकेंड हैंड मशीन को यहाँ पर 1 जनवरी 2007 को 37,000 में खरीदा। उसको लगाने में खर्च किया 2,000 रुपया और 1,000 रुपया खर्च किया उसको सही करने में। 1 जुलाई 2008 को उन्होंने एक और मशीन 10,000 में खरीदा और 1 जुलाई 2009 को इसे बेच दिया। 1 जुलाई 2009 को जो मशीन 1,007 में खरीदा गया था उसको बेच दिया 28,000 रुपए में। उसी तारीख को, यानी कि आप 1 जुलाई 2009 को, उसी तारीख को उन्होंने एक और मशीन खरीदा 25,000 रुपए में। यह आपका हो गया तीसरा मशीन हो गया। ऑन जुलाई 1, 2010 द सेकेंड मशीन जो आपने खरीदा था, सेकेंड मशीन 1 जुलाई 2008 को फॉर 15,000 वाज आल्सो सोल्ड आउट। उसको भी आपने 2,000 रुपए में बेच दिया। पहला मशीन खरीदा उसको भी बेचा, सेकेंड मशीन खरीदा उसको भी बेचा। अब कहता है कि डिप्रेसिएशन आपको लगाना है 10% प्रति वर्ष की दर से लागत मूल्य पर, वास्तविक मूल्य पर 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। 2008 से कंपनी ने अपने इस मेथड को क्या कर दिया है, बदल दिया है। और जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था उसको अब कंपनी ने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर चेंज कर दिया है। और यहाँ पर रेट ऑफ डिप्रेसिएशन आप देख रहे हो कितना हो गया है, 15%। यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप जैसे कि सामने है, पहले बना लेंगे फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लिखा है ना प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट 7 से लेकर 10 तक। तो हम पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे, इसके बाद शुरुआत करेंगे। तो पहले काम हमने क्या किया है, मशीन को परचेज किया है। तारीख हमारा दिया हुआ है 1 जनवरी 2007 को हमने इस मशीन को परचेज किया। तो बैंक अकाउंट हम इसको मशीन 1 लिख सकते हैं, ताकि हमको क्या करना है, 3 मशीन हमारा है, हम तीनों मशीन को अलग अलग लिखाएंगे, तीनों मशीन का नाम भी हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। 37,000, 2,000 और 1,000 तीनों को आप जोड़ लीजिए। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिखकर शो कर सकते हैं, या एक में भी आप इसको शो कर सकते हैं। आपका मशीन का कीमत हो गया 40,000 रुपया। इस साल 2008 में आप अगला मशीन खरीदा है, सेकेंड मशीन तुमने आठ में खरीदा है, यानी इस साल अब कुछ भी नहीं है। 31/12/2007 को आप डिप्रेसिएशन अकाउंट इसका बना लीजिए। कहता है डिप्रेसिएशन 10% चलेगा, तो आपका 1/1/7 को था 40,000 रुपया, 31/12 को हो जाएगा तो डिप्रेसिएशन 4,000 रुपया। ये आपका हो गया 40,000 का 10%। अब तुलना कर ले, इसका जोड़ होगा 40,000 रुपया। और अकाउंट कहता है कि दोनों पक्ष हमेशा आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है, तो क्यों ना हम इसको तुलना कर लें। अब आपका टोटल अमाउंट है 40,000 रुपया, डिप्रिशिएट हो गया 4,000 रुपया, तो डिफरेंस कितना आएगा, इसको कहेंगे आप बैलेंस सीडी। और आपका ये डिफरेंस आएगा 36,000 रुपया। यह आपका हो गया पहले साल का। इसके बाद आप आइए सेकेंड ईयर के लिए, 1/1/2008 को। पहले साल का जो बैलेंस है उसको आप सेकेंड ईयर में ट्रांसफर कर दें, क्या होगा, बैलेंस बीडी। 36,000 को आपने जो कर क्यों
लिख दिया। इसी साल 1 जुलाई 2008 को उन्होंने एक और मशीन खरीदा है, 1 जुलाई 2008 को मशीन नंबर 2 परचेस कर लीजिए आप, क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट कॉस्ट में M2। यह अमाउंट आपका सेकेंड मशीन का दिया हुआ है 10,000 रूपए, ठीक है। यह आपका दोनों साल का मशीन आपने परचेस कर लिया। अब हम लोग इस पर निकालेंगे डिप्रिसिएशन अलग दर से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2008 से अब कंपनी ने डिप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर दिया और यहाँ पर उसने रिटेन डाउन वैल्यू को यूज किया है और रेट कितना हो गया 15% हो गया। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी था 36,000 रुपए का, हम इसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे अलग अलग। डिप्रिसिएशन दोनों का अलग अलग निकालने पर अगर हम किसी मशीन को बेचते हैं तो उसका कीमत हम एक्चुअल क्वेश्चन में ही प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर 36,000 का 15% आपका कितना होगा, सिंपल है, मुझे एक साल के लिए लग रहा है। 36,000 का 15% आपका होता है 5,400 रुपये, आपने इसको 5,400 रुपये लिख लिया। अब 10,000 है आपका सेकेंड मशीन का, इसे आपने 1 जुलाई 2008 में खरीदा है, 1 जुलाई 2008 से 31/12/2008 तक का टाइमिंग हो जाएगा, पूरा का पूरा 6 महीना। तो 10,000 का 6 महीना 15% की दर से होता है 750 रुपया, सबको जोड़ने पर आपका आ जाएगा 6,150 रुपया। अब यहाँ पर तुलना करें दोनों के बीच में, अंतिम शेष बैलेंस सीडी के रूप में आपका निकल जाएगा। डेबिट पक्ष का जोड़ हो रहा है 46,000 रुपया और क्रेडिट पक्ष का जोड़ कम है, तो तुलना करने पर इसका अमाउंट आएगा 5,891,710,37,850 रुपया। इसका अमाउंट आएगा बैलेंस फिगर में 39,850 रुपया। हमको चेक करना है कि हमारा सही है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे, आपकी 36,000 रुपया था पहला मशीन का कीमत, इसमें से आपने 5,400 रुपया घटा लिया, आप क्या बचेगा 6,410। इजीली है क्योंकि हम अगर सबको अलग अलग निकालते रहेंगे तो इन फ्यूचर अगर हमने मशीन को बेचे तो हमारा अमाउंट एक्चुअल प्राप्त हो जाएगा। इसका आ जाएगा 30,600 रुपया और इसका आ जाएगा 9,250 रुपया। अब आप सामने देख सकते हैं दोनों का जोड़ 43,850 है और हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ही सही जा रहा है, गलती होता आपका यह अमाउंट अलग हो जाता। अगले साल आइए 2009 में, इस साल आपने देखिए आपने मशीन को बेचा है, इस साल आपने पहले मशीन को बेच दिया है, दिखा है ऑन 1st July 2009 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन परचेज फ्रॉम 7,450। कब बेचा है आपने 1 जुलाई 2009 को। पहले आप ओपनिंग बैलेंस आप कर दीजिए बैलेंस बीडी के रूप में, आपका आ जाएगा 39,850 रुपए का, क्या आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब हम चूंकि पहले मशीन को जिस मशीन को हमने 30,600 रुपए में लाया, इस पहले मशीन को हम 1 जुलाई 2009 को बेच रहे हैं, तो इस अवधि का जो हमने 6 महीना इस मशीन को यूज किया इसका हम पहले डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, आपका दर वही चलेगा 15%, ठीक है। अब आप इस अमाउंट का जो आपने सेल किया है, पहला मशीन था 30,600 रुपए का, इस 30,600 के मशीन को आपने 1 जुलाई 2009 को बेच दिया है, कि अमाउंट आपका दिया हुआ है कितना बेचा है 28,000 रुपए। सबसे पहले आप इस 30,600 का निकाल लेंगे 15%, 6 महीने के लिए आपने यहाँ पर देखिए 30,600 का 15/100 और 6/12 करेंगे आपका आएगा 2,295 रुपया। यह आपका हो गया डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट मशीन। अब इस मशीन को आपने बेचा तो पैसा मिलेगा, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, आपने इस मशीन को बेचा है 28,000 रुपए में,
अब इस पर तुम आप तुलना कर सकते हैं कितना अमाउंट आपका एज का डिफरेंस आया है। तो आपका ये देखिए 28,000 और 2,000 30,295 हो रही है, 30,295 हो रहा है और उसका कीमत आपका है 30,600। इसका मतलब हुआ कि आपको इस मशीन को बेचने पर हानि हुई है। कितनी हानि हुई है? 305 रुपया। इस 305 रुपये को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए और आपका पहला मशीन कंप्लीट हो गया। आपका पहले मशीन का हो गया। अब कहता है इसी तारीख को इन्होंने एक और मशीन खरीदा है 25,000 रुपये का। क्या करेंगे हम? इसी तारीख को एक और मशीन परचेस कर ले। इसका नाम हमने दिया M3 और डेट आपका है 1 जुलाई 2009 का। इसका कीमत होगा 25,000 रुपया। अब साल की समाप्ति पर 31/12/2009 साल की समाप्ति पर आपके पास दो मशीन बचा, एक 1250 वाला और एक 25,000 वाला। इन दोनों पर आप अपना डिप्रिसिएशन अकाउंट निकाल लेंगे 15% की दर से। हम इसको अलग अलग करके वर्किंग नोट के माध्यम से निकालेंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अकाउंट बनाएंगे और हमारा वर्किंग नोट रहेगा तो मार्किंग प्रणाली पूरे के पूरे मिलेगी, यानी कि 20 में 20 मिलेगा। तो हम 9,250 का खाली निकाल लेंगे 15%। उसके बाद ये 25,000 वाले मशीन का जो सेकेंड मशीन है इसका भी हमने निकाला 15%, लेकिन यह हमारा होगा कितने महीने का? 6 महीने का। ठीक है, अब यहाँ पर 9,250 जो पहला मशीन सेकेंड मशीन था उसका 15% आपने निकाला, तो 9,250 का 15% आपका आएगा 1,388 रुपया। इसको आप लिख लेंगे 1,388 के साथ। अब सेकेंड आपका मशीन जो आपने नया कर रहा है 25,000 रुपये का, इस पर 15% 6 महीने का आएगा 1,875 रुपया। अब आप दोनों को ऐड कर लें तो 8,513, 8,816, 4,812, 2,1,3 आपका आएगा 3,263 रुपया दोनों मशीन का डिप्रिसिएशन वैल्यू। अब आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं, आप तुलना कीजिएगा तो आपका एक्चुअल अमाउंट फिगर निकल जाएगा और यह आपका होगा 9,514,336,64,850। 64,850 के साथ इन सबको आप कंपेयर कीजिए, आपका अमाउंट निकल जाएगा टोटल और यह आएगा 30,987 रुपये। हमें क्या करना है? सबका लास्ट फिगर डालना है। तो 9,250 आपका बचा हुआ था मशीन नंबर 2, क्योंकि मशीन फर्स्ट आपने बेच दिया था 30,600 वाला, ये बेच दिया तो 9,250 वाला आपका मशीन बचा। तो 9,250 में आपने 1,388 रुपया डिप्रिशिएट कर दिया तो आपके पास अमाउंट बचेगा 4 में से 8 गया 6, 1 में से 3 गया 8 और ये आपका हो गया 8 में से 1 गया 7, 7,862 रुपया आपका बच जाएगा। और सेकेंड आपका है 30,600 रुपया, इसमें आप घटा दो 1,875 बचेगा आपका 25, 5 में से 8 गया 7 और ये 9 में से 1 गया 8, 25,000 का मशीन है आपको तो 25,000 में 75 जाएगा तो बचेगा 25, ये आपका 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 23,125 बचेगा। दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30,987 रुपया। हम बार बार कह रहे हैं आपको डिफरेंस के साथ कंपेयर भी करना होगा, इन फ्यूचर अगर हमारे जोड़ में गलती हो जाए तो हम क्या करते हैं इसको सही कर लेते हैं। अब हम
इस साल के अंतिम शेष को अगले साल में ट्रांसफर कर दें, तो आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2010 को ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। इसको बैलेंस बेटी के साथ देख सकते हैं, यह अमाउंट आया है 30,987 रुपए। इस साल कह रहा है कि जो मशीन आपने सेकंड मशीन आपने 10,000 में खरीदा था, उसको आपने 1 जुलाई 2010 में बेच दिया 2,000 रुपए में। हमने इसको 2,000 में बेच दिया उस मशीन को जिसे हमने खरीदा था, एक सेकेंड मशीन हमारा खरीदा था 1 जुलाई 2008 को। इसका कीमत अब उस समय 10,000 रुपया, जो घटकर आज आ गया है 7,862। तो ये 7,862 का 15% आप निकाल लेंगे 6 महीने के लिए। तो आपका 7,862 का 15% 6 महीने का आएगा 590 रुपया। आपने इसको बेच दिया 2,000 रुपए में, तो अंतर आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से। आप तुलना कर सकते हैं कितना होना चाहिए, ये 7,862, इसमें आपने घटा दिया 590, राउंड फिगर में आपका नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट में आएगा, ये बचेगा आपका 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसमें फिर से आप 2,000 रुपया घटा दो, बचेगा 5,272, यह आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस इसके। अब आपने साल के समाप्ति पर आपको अमाउंट भी निकाल लेना है, तो 31 दिसंबर 2010 को आप टोटल डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। आपके पास अलग अलग अमाउंट था 7,862 और 23,125, दोनों मशीन का अलग अलग आपके पास अमाउंट आया हुआ था। अब आपके पास कोई और मशीन नहीं है, तो आप केवल और केवल 23,125 का 15% निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 23,225 का 15%। यहाँ पर निकाल सकते हैं या किसी, तो आपका 23,125 का 15% आपने निकाला, आप अलग से वर्किंग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका अमाउंट आएगा 3,472 रुपया। अब आपके पास एक ही मशीन बच गया है 23,125 वाला, तो आपको अलग से अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका अंतिम शेष बचेगा और वह होगा बैलेंस ऑफ मशीनरी का। तो कंपेयर कर लीजिए 30,987 के साथ इन चारों का आपका अमाउंट आएगा, अंतर करेंगे तो 9,211 आपका अंतर आएगा 19,655 रुपया। यह आपका हो जाएगा मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखा, डिप्रिसिएशन अकाउंट का बिकॉम पार्ट 2 का था। इस तरह से आपको अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन बनाकर दिखाया जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल पर जाकर उसको एक बार दबा लें, ताकि जब भी आपके पास नया कुछ भी आएगा आपको मिल जाएगा। अब लॉकडाउन में आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ऑनलाइन हमसे आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।